तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑफ रोल यानी कि थर्ड पार्टी एंड इसके बाद ऑन रोल यानी कि कंपनी पे रोल जाने में कितना टाइम लगता है अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो। तो दोस्त, मैं बता दूं कि जब आपको एक्सपीरियंस होता है 2 से 3 साल 4 साल या कई बार आप फ्रेशर होते हो तो उस केस में होता क्या कि जब आपको MNC में जॉब मिल रही होती है तो MNC का ऑन रोल या पे रोल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उस टाइम आपको मिल नहीं पाता है। तो क्या होता है कि जो MNCs कंपनी होती हैं वो टाई अप करते हैं किसी ब्रांड से या किसी इंस्टीट्यूट से या कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिसको बेसिकली आप बोलते हो कंसल्टेंसी, तो उनसे वो कांटेक्ट करते हैं और अपना एक प्रोजेक्ट पर्टिकुलर उठा के उनको दे देते हैं कि भाई IT आप देखोगे, ये सॉफ्टवेयर आप देखोगे, मतलब कि जो हायरिंग होगी वो करेंगे, मतलब कि उनकी कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके बाद होता क्या कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो सारा आपका थर्ड पार्टी कराता है, तो इसमें कंपनी की कॉस्ट बचती है, जो अदर बेनिफिट्स कंपनी आपको देती है वो सेव होते हैं और जो ईयरली हाइक अप्रेजल होता है वो आपको नहीं दिया जाता, या अगर दिया जाता है तो कंपनी में अगर फॉर सपोज 15% ईयरली हाइक हो रहा है तो हो सकता है आपको 2-5% आपको ही हाइक दिया जाए थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे। बट हाँ, जब आप हायर हो जाते हो तो एक वो टर्म अग्रीमेंट होता है, एक अग्रीमेंट पे साइन होता है कि आप इस कंपनी में यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू इस प्रोजेक्ट पे आप 18 महीने 24 महीने या 3 साल आप काम करोगे, उसके बाद आप कंपनी को और कंपनी का ऑन रोल मिलेगा। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है 2 ईयर्स के आसपास आप मान के चलो, 18 महीने के आसपास आप मान के चलो, बाकी आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, आपने जो दिए हुए टास्क हैं वो प्रॉपर कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि लोग उस जॉब में या उस कंपनी में वो अराउंड 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल से काम करते ही रहते हैं और उनको ऑन रोल नहीं मिलता है, तो उस केस में होता क्या कि वो परमानेंट थर्ड पार्टी एम्प्लॉय को बना के रखते हैं और आपको ऑन रोल नहीं देते हैं। बट एसेंचर जैसे ब्रांड में अगर आप जाओगे या थर्ड पार्टी भी एसेंचर जैसे ब्रांड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें होता क्या कि अगर आप थर्ड पार्टी पे काम करो, थर्ड पार्टी पे काम करने के बाद में आपको फिर जब कंपनी का ऑन रोल मिलता है तो सपोज अगर आप थर्ड पार्टी पे 20,000 पर मंथ की सैलरी पे जॉब कर रहे हो तो जब एसेंचर का आपको ऑन रोल मिलेगा तो आपकी सैलरी वो डबल कर देते हैं, मतलब 20 से 40 मिल जाएगी आपको, 35 मिल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा सैलरी आपको दे देते हैं। बट उनका एक टाइम पीरियड है अराउंड 2 ईयर्स मिनिमम, आप वहाँ पे जब कंप्लीट करोगे थर्ड पार्टी से देन आपको वहाँ पे कंपनी का ऑन रोल मिलेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा रिकमेंडेशन आपके मैनेजर का होता है, आपके स्किप लेवल मैनेजर का होता है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, वही रिकमेंड करते हैं आगे। आप डायरेक्ट अगर बात करोगे तो इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होता, देखो कंपनी चाहती है कि आप हमेशा थर्ड पार्टी पे काम करो, उनके बेनिफिट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें उनकी बचती हैं जब आप थर्ड पार्टी पे होते हो। तो जो मेन रिकमेंडेशन है ना वो आपका मैनेजर ही करता है कि हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, कैपेबल है, लॉन्ग टर्म स्टे करेगा कंपनी में, तो उन लोगों को कंपनी का ऑन रोल मिल जाता है ईजिली। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ, मिनिमम 18 महीने होता है या 2 साल भी किसी किसी कंपनी में हो सकता है, तो इतना टाइम आपको लगता है कि थर्ड पार्टी से ऑन रोल होने में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।